पाकिस्तान के रवामा ग्रे लिस्ट से निकलने की राहें हमवार होने लगीं। पाकिस्तान ने FATF के तमाम 27 नुकात पर वाजिया पेशरफ्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के FATF एक्शन प्लान के नुकात पर नुमाया पेशरफ्त सामने आ गई। पाकिस्तान के रवामा ग्रे लिस्ट से निकलने की राहें हमवार होने लगीं। सराय का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF के तमाम 27 नुकात पर वाजिया पेशरफ्त कर ली। तमाम नुकात पर पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी गई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग में बड़ी पेशरफ्त की गई। पाकिस्तान ने इन शोबों में कानून साजी मुकम्मल कर ली है, जबकि कालातुब तंजीमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा चुकी है। ख्याल रहे कि FATF का वर्चुअल प्लानरी इजलास 22 फरवरी से शुरू होगा, जो 24 फरवरी तक जारी रहेगा। याद रहे कि जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में ज़रूरी इकदाम उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक वक्त दिया गया, जिसमें बाद में मज़ीद 4 माह की तौसीक कर दी गई थी। वाज़ेह रहे कि FATF के ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतालिक मौजूद कवानीन में तरामीम के साथ बेशतर नुमाया इकदाम उठाए, जिनमें कालातन तंजीमों के खिलाफ एक्शन और गिरफ्तारियां भी शामिल हैं।